वक्फ बोर्ड मामले को लेकर भाजपा ने फिर से प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगाया है। कहा, धर्मांतरण को संरक्षण देने वाली कांग्रेस सरकार राज्य की जमीनों को खैरात में बांट रही है। वक्फ बोर्ड मामले को लेकर दुर्ग के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगाया गया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने मीडिया के सामने अपनी बात कहते हुए वक्फ बोर्ड मामले से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए जितेंद्र वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण को संरक्षण देने वाली कांग्रेस सरकार राज्य की जमीनों को खैरात में बांट रही है। ईसाई और मुस्लिम संस्थाओं के बीच सरकारी जमीन की बंदरबांट की जा रही है। ये इस स्थिति का संकेत है कि प्रदेश की खाली जमीनों पर आने वाले समय में आधे पर वक्फ बोर्ड का कब्जा होगा और आधी जमीन पर मिशनरियों का। वह दुर्ग में सामने आया वक्फ बोर्ड का मामला वर्ष 2020-21 में दाखिल हुआ। इसके बाद वक्फ बोर्ड लगातार प्रकरण में अनुपस्थित भी रहा। बावजूद इसके लंबे समय तक प्रकरण किस आधार पर चलता रहा, ये प्रशासन ने स्पष्ट ही नहीं किया। दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी राजस्व न्यायालय में प्रकरण का चलना ये दर्शाता है कि प्रशासन की मिलीभगत इस मामले में पूरी तरह से है और प्रशासन को कांग्रेस के नेताओं द्वारा निर्देशित किया जाता है। एक ओर राज्य वक्फ बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये दावा करता है कि किसी निजी जमीन पर दावा नहीं किया गया है, तो तहसीलदार न्यायालय द्वारा किस आधार पर पेपर प्रकाशन द्वारा इश्तिहार छपवाकर दावा आपत्ति मंगाई गई। राज्य वक्फ बोर्ड और तहसीलदार न्यायालय दोनों के कार्यों में विरोधाभास स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। इश्तिहार की विषय वस्तु से ये स्पष्ट होता है कि आम नागरिकों की जमीन वक्फ बोर्ड को देने की तैयारी थी। साथ ही इस मामले को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने शहर के विधायक व महापौर पर भी निशाना साधा। इस संबंध में मीडिया को जिला अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाइट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बहुत पहले बने हैं, बड़े लीडर हैं। लगातार चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ आ नहीं पाए थे, 21 तारीख को आ रहे हैं, उनका अलग है। और लोगों को भारत जोड़ो अपना रूटीन का कार्यक्रम है, क्या जोड़ पाएंगे? देश को खत्म कर दिए, खुद कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, अब क्या जोड़ पाएंगे? जाने का दिन आ गया कांग्रेस के। माननीय राजस्व न्यायालय में 2020-21 में एप्लीकेशन लगाए। मेरा पहला आपत्ति ये है कि 2021 के इस प्रकरण को इतने लंबे समय तक के खींचा गया, जो सर्वथा अनुचित है। उसके पक्षकार कोई खड़े नहीं हुए, उसके वकील खड़े नहीं हुए, उसके बाद भी इतने लंबे समय तक के खींचे। सीधा सीधा शासन प्रशासन का इसमें हाथ था। दूसरा, जो इश्तिहार के रकबे दिए गए थे, 7 प्रकरण ग्रुप जिले में है, उसमें से एक प्रकरण का दावा आपत्ति का अंतिम तारीख 15 तारीख था। 15 तारीख को 1711 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया कि ये जमीन हमारी है, हम यहाँ निवास करते हैं, हमारा दुकान है। मैं शासन प्रशासन से जानना चाहूँगा कि आपने कैसे मतलब इश्तिहार निकाले? किसी के प्राइवेट जमीन में पट्टा है, ऋण पुस्तिका है, उसको इश्तिहार के दायरे में आया कैसे? एक दूसरा, वहाँ का सीओ का कहना है कि हम इस प्रकार से एप्लीकेशन नहीं लगाए, तो या तो वो सीओ वक्फ बोर्ड के सीओ से ही बोल रहे हैं, या तो फिर माननीय राजस्व न्यायालय से ही बोल रहे हैं। दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही बोल रहे हैं और एक जो है गलत बोल रहा है। तो जो गलत बोला है, जिसके चलते इस पूरे दुर्ग में ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में कोहराम की स्थिति निर्मित है, भय और आक्रोश दोनों हैं। अभी भाजपा क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि एक दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई, नंबर एक। दूसरा, प्राइवेट जमीन लगातार जब से भूपेंद्र बघेल जी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तब से धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है। भूपेंद्र बघेल जी कहता है कि 15 साल जब रमन सिंह भूपेंद्र बघेल जी, और उसके हम रिकॉर्ड देते हैं कि कहाँ कहाँ गए, उसके मिनिस्टर TS बाबा खुद अपने गृह जिला में लिखित में एप्लीकेशन लगाए कि वहाँ मुसलमानों को बताया जा रहा है कि कौन है। एक एक बार नहीं, दो दो बार हुआ, कैबिनेट में कभी चर्चा नहीं की है। ताम्रध्वज साहू जी खुद अपने समाज ऐसे ही रिकॉर्ड भूपेश बघेल भी मांग रहे हैं, तो इसमें किसको बता रहे हैं? बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री जी बोले, ताम्रध्वज जी बोले, दुर्ग का मामला है,
है ना, बस्तर में उसमें सुकमा के एसपी बोले हैं, लिखित में लिखित का है, और बस्तर का आईजी बोले हैं धर्मांतरण चल रहा है, और इस टाइप से कोई रिकॉर्ड है तो दिखाए भूपेंद्र तो बघेल जी, कांग्रेसी अरुण वोरा जी यहाँ के महापौर जी, ऐसा नहीं है, हमारे सारे नेता भरोसे के काबिल हैं और इन्हीं लोगों के बदौलत 15 साल हमने सरकार बनाए। और मोदी जी का तो बात ही नहीं है, मोदी जी तो हिंदुस्तान से परे अब विश्व के लीडर हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।